नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करुछी अभिन्न आशुतोष बुलेटिन आरंभ करिबा एक ताजा खबर राज्य रे टीका आदौ अभाव नहीं राज्य रे टीका अभाव अभियोग आसीबा परे एहा कहिसेंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान टीका अभाव को खंडन करी केंद्रमंत्री कहिसेंती कि देश रे मोट 12 कोटी टीकारु केवल ओडिसा को 45 लाख टीका आसछि प्रति दुई दिन रे थरे 2 रु 2.5 लाख टीका आसुछि मुख्यमंत्री केबे कहि नाहंती कि राज्य रे टीकार अभाव अछि टीका अभाव कथा कहि राज्य स्वास्थ्य सचिव राजनीति करुछंती जदि स्वास्थ्य सचिव राहुल गांधी को भाषा कहिबे एतिरे किछि करा जाय पारिबोनि बोली कहिछंती धर्मेंद्र भारत वर्षरे 11 12 कोटी टीका भितरु 45 लाख टीका भारत को ओडिसा को आसीछि ताको तुलना करि टिके देखंतु किछि बंधु मानक भितरे विशेष करके जणे दुइ जणे एठिकार जे हेल्थ सेक्रेटरी अछंती ये विवाद को सी आरंभ करुछंती मते भावुची राजनीतिक स्तर रे मुख्यमंत्री एक कथा भावु नाहंती सीए गोटे निजर बदे बाहापियापण को देखेबापाई ए प्रकार कथा कहिछंती आमे तुमको अनुरोध करुछु ए प्रकार समाज रे क्राइसिस तयारी न करिबा दरकार दुई तीन टी आउट टीका को सरकार खूब शीघ्र अनुमति देवापाई जाउछ गतकाल राज्य परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही कहते कि राज्य में कोविड टीकार अभाव देखाई वैक्सीन अभाव जो राज्य 11 जिले में टीकाकरण संपूर्ण बंद रही संपूर्ण टीकाकरण बंद होता जिलागुड़िकला जाजपुर भद्रक पुरी नयागढ़ सोनपुर गजपति बौद्ध झारसुगुड़ा संबलपुर ढेंकानाल और कोरापुट से हीपर टीका अभाव जो राज्य में बर्तमान मात्र 500 केन्द्र में टीकाकरण कर टीका अभाव जो राज्य में टीका उत्सव बाधाप्राप्त होता कहते राज्य परिवार कल्याण निर्देशक आमर गत काली 824 केन्द्र में टीकाकरण कर जो थी कि आम लक्ष 40,061 जन को आम टीका देलु सो गत कालीर टीकाकरण को मिसाइक आमर स्टेट रे संपूर्ण 45,18,262 जन व्यक्ति टीकाकरण करागला एवं आज आमर 500 केन्द्र में टीकाकरण करेतु टीकार अभाव अच्छी टीकाकरण में प्राय 11 जिले में टीकाकरण बंद रिलागुड़ा टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहा गत काली आम 2,71,000 कोविशील्ड टीका पाइल एवं आज आम केन्द्र सरकार तरफ आम कोवैक्सीन टीका 2,00,000 डोज आज आम पाइबु यही सब टीका पाई सारापर आम विभिन्न जिला को पठेदेबू भीमसारे खोल द्वितीय कोविड हॉस्पिटल यह नुआ कोविड हॉस्पिटल रे 250 शय्या 50 आईसीयू ता छड़ा पूर्वर थिबा कोविड हॉस्पिटल रे मध्य शय्या संख्या वृद्धि करा जिवो पुरुणा कोविड हॉस्पिटल रे संप्रसारण करा जाय 75 शय्या 30 टी आईसीयू वृद्धि करा जिवो ए संपर्क रे सूचना दैछंती मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र से बुल्ला भीमसारे पहुंचिबा परे विभिन्न विभाग रे अधिकारी को सह बैठक रे कोविड स्थिति ने आलोचना करथिले संक्रमण को किभली रोका जाय परिबो से ने पदक्षेप नबा को कहिछंती मुख्य शासन सचिव सीमांत जिलागुड़िक गत किछि दिन हेबो संक्रमण बढ़ुतबारु एहाकु रोकिबा पई कोन पदक्षेप निया जाउछि से सबुर समीक्षा करिछंती एति सह कोविड रोगीक पई हॉस्पिटल व्यवस्था संपर्क रे आलोचना करिछंती बैठक रे स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग रो अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र डीएमटी सीबीके महांती भीमसार निर्देशक बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर जिलापाल और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने मध्ये शामिल होइथिले आज आम वेस्टर्न ओडिशा रे आज आम संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ और यापर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट डिटेल कोविड रिव्यू करने आसु मो सहित एसीएस हेल्थ डीएमईटी डीएचएस समस्ते आम डिटेल रिव्यू कलु आज झारसुगुड़ा और बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट संबलपुर भीमसार रे जो फैसिलिटी सब अच्छी कोविड हॉस्पिटल देखिलु एवं डिसाइड कराई जो मेडिसिन वार्ड गोटे नुआ बिल्डिंग थिला से प्राय 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल आउ गोटे एडिशनल करा जिवो जोटी प्राय 250 बेड जनरल बेड रहिबो विथ ऑक्सीजन फैसिलिटी आउ 10टा आउ 50टा आईसीयू ऐड करा जिवो भयंकर बेगरे व्यापुची कोरोना संक्रमण 2,00,000 मुहा दैनिक आक्रांतक संख्या 24 घंटा भितर 1,84,372 पॉजिटिव चिन्हट होती दिनक 1,027 जन जीवन नहीं कोरोना देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,72,085 को छुई से हीपरी देश में मोट आक्रांतों संख्या 1,38,73,825 को वृद्धि पाई
मोट आक्टिव केस 1,365,704 रही बेले जाए सुस्थ हेले 1,23,36,36 जन। महाराष्ट्र दिल्ली छत्तीसगढ़ में द्रुत गति में संक्रमण बढ़िवे लगी। मध्यप्रदेश केरल पंजाब आंध्रप्रदेश में भी कोरोना संक्रमण बढ़ुवर चिंता बढ़ी। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से कोरोना मरीजों की जो बढ़ती संख्या है उसका जो 24 घंटे का रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर देश भर में 1,84,372 मरीज संक्रमित हुए हैं और वहीं 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही गंभीर है। और वहीं अगर बात किया जाए तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वह भी इसको लेकर चिंतित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद जिस तरह से राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है इसको लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और कड़े और सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि एक बात साफ हो गया है, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच जब बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि इस बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, कड़े और सख्त नियम बनाए जाएं। तो जो कड़े और सख्त नियम बनाए जा रहे हैं वह नियम जो है महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लागू हो जाएगा, जिसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। और वहीं देखा जाए तो दिल्ली में भी आज की अगर बात की जाए, 24 घंटे की बात की जाए, तो यहाँ पर करीब 13,000 से अधिक मरीज संक्रमित हुए हैं, कोरोना संक्रमण से लोग प्रभावित हुए हैं। और वहीं जो देखा जाए 24 घंटे में 81 लोगों की मौत हुई है। तो यहां भी सरकार काफी चिंतित है, दिल्ली सरकार चिंतित है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अभी चिंतित हैं। वहां भी नए गाइडलाइन तैयार किए जा रहे हैं और सख्ती से पालन कराने के लिए जो है कदम उठाए जा रहे हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात तक जो है बैठक की थी इसको लेकर के तमाम जो चिकित्सक विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ उनके साथ, कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं कि इस कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाए, उसको कैसे रोका जाए और आने वाले समय में कौन किस तरह से गाइडलाइन तैयार किया जाए। सीधे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो कड़े और सख्त नियम बनेंगे इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकता है, लेकिन जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। तो ऐसे में जो देखा जाए तो राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं और केंद्र सरकार भी और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लगातार कह रही है कि जो है कड़े और सख्त नियम बनाए जाएं और लोगों से पालन कराए जाएं, क्योंकि यह जो दूसरी लहर है कोरोना की यह पहले लहर से ज़्यादा खतरनाक है और इसको लेकर लोगों को भी एक्टिव हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए, जैसे कि फेस मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना, क्योंकि लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग जागरूक हो गए और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है अगर इसका वो पालन करेंगे तो उनका बचाव होगा और दूसरे की भी रक्षा होगी। कैमरा पर्सन योगेन सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। सेपटे महाराष्ट्र में लागू होबनी लॉकडाउन, किंतु सारा राज्य में लागू है 144 धारा। आज राति 8 टू 15 दिन जोरदार होब कटका, सका 7 टू राति 8 पर्यंत केवल अत्यावश्यक सेवा अनुमति रही। राज्य में सबु सर्वसाधारण स्थान बंद रधारण लोकों पर साधारण परिवहन व्यवस्था को बंद कर दि जा, केवल अत्यावश्यक सेवे नियोजित कर्मचारी को नहीं चलो साधारण परिवहन व्यवस्था। अत्यावश्यक काम कार्यालय समस्त कर्मचारी काम करेंगे। कोरोना मुकाबला राज्य सरकार बड़ पदक्षेप सरकार कहते, किंतु द्रुत संक्रमण समस्या हो मेडिकल कोविड सेंटर सबुठ चाप पड़ुँ। आज संविधान प्रणेता बाबा साहेब आम्बेदकर जयंती, 130वीं जयंती अवसर में श्रद्धांजलि जनाई प्रधानमंत्री और स्मृतिचारण करने सहित निजर अभिभाषण रखुं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीधा कार्यक्रम प्रसारण वर्तमान आम आपण रखु। बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था।
उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को देकर के की थी। आज उसी संविधान पर चलकर भारत एक नया भविष्य गढ़ रहा है, सफलता के नए आयाम हासिल कर रहा है। साथियों, आज इस पवित्र दिन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की 95th मीटिंग भी हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब समरसता चेयर की स्थापना की घोषणा भी हुई है। अभी बाबा साहब के जीवन पर, उनके विचारों पर, आदर्शों पर भाई किशोर मकवाना जी की 4 पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ है। मैं इन प्रयासों से जुड़े सभी महानुभावों को बधाई देता हूं। साथियों, भारत दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है। डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। श्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस विजन के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है, इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है, और चौथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देशवासियों तक ले जाएगी। ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक शास्त्र से कम नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़े। समरस समाज की बात हो, दलित वंचित समाज के अधिकारों की चिंता हो, महिलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्न हो, शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा पर बाबा साहब का विजन हो, इन सभी आयामों से देश के युवाओं को बाबा साहब को जानने समझने का अवसर मिलेगा। साथियों, डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे, मेरे 3 उपास्य देवता है, ज्ञान, स्वाभिमान और शील, यानी नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस। जब नॉलेज आती है तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए अवेयर होता है, और इक्वल राइट्स से ही समाज में समरसता आती है और देश प्रगति करता है। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बाबा साहब आम्बेडकर हमें जो मार्ग दिखा कर गए हैं उस पर देश निरंतर चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे विश्वविद्यालयों पर हमेशा रही है।
और जब प्रश्न एक राष्ट्र के रूप में साझा लक्ष्यों का हो, साझा प्रयासों का हो, तो सामूहिक प्रयास ही सिद्धि का माध्यम बनते हैं। इसलिए मैं समझता हूं इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। AIU के पास तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रीमती हंसा मेहता जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जैसे विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी विरासत है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी अ फ्री क्रिएटिव मैन हु कैन बैटल अगेंस्ट हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस एंड एडवर्सिटीज ऑफ नेचर। तात्पर्य ये कि शिक्षा को वो यानी शिक्षा वो हो जो व्यक्ति को मुक्त करे, वो खुलकर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्माण करे। उनका मानना था कि हमें अपना एजुकेशन मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट मानकर विकसित करना चाहिए, लेकिन साथ ही वह एजुकेशन के इंडियन कैरेक्टर पर, भारतीय चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे। आज के ग्लोबल सिनेरियो में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी यहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर स्पेशल इश्यूज रिलीज किए गए। ये इश्यूज इस बात के डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। मुझे बताया गया है कि इस बार आपने सेमिनार की थीम वो भी यही रखी है, इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारतीय विश्वविद्यालय आसोसिएसन वार्षिक बैठक बाबा साहेब आम्बेदकर उपरे पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम में केन्द्र मानव संबल विकास मंत्री उपस्थित अच्छा। आज संविधान प्रणेता बाबा साहेब आम्बेदकर जयंती 130वीं जयंती अवसर में श्रद्धाजलि जनाऊँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। यह सहित आम्बेदकर स्मृतिचारण कर नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पिपिली उपनिर्वाचन पर जोर धरी प्रचार, बीजेपी प्रार्थी आश्रित पट्टनायक आज प्रचार मैदान को ओह्लाई केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी। डेलांग जेनापुर में केन्द्रमंत्री प्रचार चलुवर खबर वर्तमान समय सामना को आसुच्ची। सुमंत सुंदर आम सहित सीधासख जोड़ी होती पिपिली। सुमंत वर्तमान समय ताजा अपडेट देखा कौन रही प्रचार माहौल। जे आपको आम से भिजुआल देखा जोटि बीजेपी भेटरान और केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी अच्छा। डेलांग जेनापुर में आरंभ हो प्रचार निजे प्रताप षडंगी लोक संबोधित करेंगे और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी सपक्ष में भोट मागे कारण धीरे धीरे लोकों भिड़ बढ़ुँच और बीजेपी बीजेपी भितर जो आटाक काउंटर आटाक चली भितर किए बहुमत पाए तो समय कह कि प्रतिक्रिया ना सर जाना चाहिए प्रथम प्रतिक्रिया कमी लगू से माहौल। मु तो ये आसली मु कलिकतारे थी से 9 दिन काल प्रचार थी आज ये आसली मत आरंभ तो भल जना पड़ी लोक उत्साह अच्छी समस्त प्रकार बाधा विघ्न को अतिक्रम करी माँ भी मैंने भी सामना को आक मैंने आस्ता कटे ढड़ा लोक भितर पर गोटे आग्रह अच्छी मन प्रस्तुत हो लगुच कि आपत जेनापुर आसर पिपिले कड़ा टक्कर होती बहुमत को आधार में आप बर्तन मागे कौन कहते कंग्रेस तो समस्ते लॉकडाउन ही गले बाकी आम दु जन भितर लड़े लगी बीजेपी बीजेडी प्रसंग प्रसंग हो विकास 35 वर्ष ये जन एमएलए अच्छा 25 वर्ष पखापाखि गोटे सरकार अच्छे तापर भी ए अंचल समुचित विकास है लोक रोजगार मिलूना डाक्तखाना जथेष डाक्तर ना स्कूल मानक पर्याप्त संख्य शिक्षक नहांती
दुर्नीति भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंची। पंचायत ब्लॉक डीआरडीए सबु जगह भयंकर दुर्नीति पूरा कमिशन खिया चलती। आ सबुठ बड़ कथा हूँ जे काम को गोटे कौशल सारा ओडिशा रे शह शह कोटी टंकार काम देकरी पात्र अंतर कर केवल बीजेडी वाला डिपार्टमेंटल करके देवा सरकार निर्देश देजे बहुमत बीजेडी बहुमत ने दीर्घ काल धरिकी लोक कमिशन फमिशन नहीं अन्य भाव में कला पैसा द्वारा बीजेडी जितुला आमे गत थर भी द्वितीय स्थान में थिलु आथर बीजेपी बहुमत हासिल करिबा आमर दृढ़ विश्वास अच्छी किंतु बहुमत हासिल करने बीजेडी बीजेपी भितर गोटे अटैक काउंटर अटैक चली बीजेडी नेता डेरा पकई आपण मैंने बीजेपी प्रचार करने कि भितर आप जो दृढ़ प्रकाश कर आधार कौन रही आधार हूँ जे 35 वर्ष धरिकी गोटे शासन को लोक देखी सारे आसन में किसी चमत्कारता नहीं सामान गतानुगतिकता चलती सबु जगार कमिशन एमएलएल एड हो सीडब्ल्यूए हो जिते प्रकार फंड सबु जगार कमिशन ता छड़ा दुर्नीति और भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंचे प्रधानमंत्री आवास योजन सुधा पैसा नि किंतु अन्य पक्ष स्वच्छ उत्तरदायी पारदर्शी प्रशासन देवाई भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध मान्य नरेन्द्र मोदी विकास योजना एवं तंकर उत्तरदायित्व इतिरे जनता प्रभावित अच्छा आईटा गोटे गड़गले जे बीजे ओडिशा रे बीजेडी सरकार गढ़ ना ये बीजेडी को किसी साहा हेनी तेणु जनता एथर परीक्षा करने मन प्रस्तुत करवाचन होती आम कह मोटामोटी ओडिशा जितकी निर्वाचन है उपनिर्वाचन किंतु बीजेपी जितुनि बीजेडी जितुची आपंकर से जो बालेश्वर भोट है बीजेडी बहुमत पाला बीजेपी क्षमता फेला अल्प के आज 5-6 हजार भोट होते बीजेपी जीति था एमती है जीतती गत थर आम 72 हजार भोट मिलता आउ एथर आम प्रार्थी से तेणु एथर आम आशा करूँ जे आमर संगठन दृढ़ता विस्तारीकरण माननीय नरेन्द्र मोदी विकास योजना बीजेडी प्रति लोकंर अनाग्रह विरक्ति भाव कारण बीजेपी क्षमता को आस तेज मोटामोटी शुणुते कि प्रतिक्रिया रही कारण गोटे पटे प्रचार जोरसोर चली बीजेडी नेता मैंने सबु डेरा पकई पंचायत ब्लक बीजेपी भेटरान नेता आसुंच जो मैंने भोट भिक्षा करुंच कितु गोटे रोचक मुंड नहीं पिपिल राजनीति और गोटे पटे बैक रैली को अनुमति न मिलवा पर एपटे जो भाव में रोड शो हवा कथा बर्तमान प्रताप षड़ंगी निजे रोड शो जा गाँ गाँव में बर्तमान एंट्री करेंगे कारण जेनापुर जिते बड़े आरंभ हो प्रचार कम तेणु से आरंभ हो अभियान तेरे एटी जो भाव में 35 वर्ष शासन चली तेणु तार डिमेरिट्स कथा निजे कहते केन्द्रमंत्री तेणु आग को कौन हम रिजल्ट से समय कह निहाती भाव में सुमंत जो दृश्य आम सामने रखुं एथर गोटे कथा स्पष्ट जे केमी प्रचार चली केमी जोरदार वातावरण रही वर्तमान समय ताजा चित्र बीजेपी प्रचार आरंभ हो केन्द्रमंत्री करजेडी नेता मैंने डेरा पक वर्तमान समय हो जाए एक ब्रेक रहा।